हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम एंड डॉटर कुक्स। आज हम बनाएंगे मिडिल ईस्ट की फेमस डिश जिसका नाम है फलाफल, और उसके साथ मैं बनाऊंगी उसके साथ इंजॉय किया जाने वाला एक डिप, हमस। इसका नाम आपको जितना सुनने में अलग लगता है, ये बनाने में उतना ही आसान है। फलाफल को आप हमस या फिर पीटा ब्रेड में स्टफ़ करके भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार लेबनीज क्विजीन, फलाफल और हमस। नई नई और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नई रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। पहले हम हमस बनाएंगे। हमस बनाने के लिए मैंने एक कप सोक किया हुआ छोले चना लिया है। मैंने इसको रात भर सोक किया था। उसे हम कुकर में डालेंगे और ऐड करेंगे 1 कप पानी, और इसे अभी हम 5 से 6 सीटी के लिए प्रेशर कुक कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। आपको इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 6 विसल के बाद जब प्रेशर नेचुरली रिलीज़ हो जाए, हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे और अब देख सकते हैं हमारे छोले चने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और प्रॉपरली कुक हो चुके हैं। अब इसे हम कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम एक पैन में अराउंड 3 टेबलस्पून मैंने तिल के दाने लिए हैं जिसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, कलर नहीं देना है, सिर्फ इसको थोड़ा क्रैकल होने देना है। जब ये क्रैकल हो जाए तो अब हम गैस बंद करके इसको एक प्लेट में निकाल सकते हैं। तिल के दाने और ऑलिव ऑयल को हम ग्राइंड करके एक ताहिनी पेस्ट भी बना सकते हैं जिसको हम इसमें यूज़ करते हैं। बट अगर आप ऐसा ना करना चाहे तो आगे की प्रोसेस में मैं दिखाऊंगी कि हम ये हमस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये तिल के दाने हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इसे हम कूल डाउन करने रखेंगे। फिर हम हमस के लिए एक मिक्सी जार में हमारे बॉईल किए हुए चने डालेंगे, ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हमने जो सिके हुए तिल के दाने लिए थे वो। फिर हम इसमें डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां, मेरी छोटी साइज़ की लहसुन की कलियां थी। ऐड करेंगे थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, और मैंने इसमें आधा नींबू का जूस ऐड किया है। फिर हम ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। इसमें ऑलिव ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसमें आप ऑलिव ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करिएगा। इसको अभी हम ग्राइंड करेंगे, इसको एक स्मूथ पेस्ट में हमें ग्राइंड करना है। बीच में रिक्वायरमेंट हो तो आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल। मैं इसमें 3 टेबलस्पून पानी यूज़ कर रही हूँ, और इसे हम फिर से अभी ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा हमस रेडी हो चुका है। इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अगर आपको इसे और पतला बनाना है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल या फिर पानी ऐड कर सकते हैं, पर हमारा हमस अभी बन के रेडी हो चुका है। अब हम फलाफल की तैयारी करेंगे। फलाफल बनाने के लिए हम एक मिक्सी जार में 2 कप सोक किया हुआ छोले चने लेंगे। मैंने इसको रात भर सोक किया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का अनियन, और 15 से 20 छोटी मेरी गार्लिक की कलियाँ थी वो ऐड करेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 2 टीस्पून हम इसमें सिके हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे फलाफल में। ऐड करेंगे 2 ग्रीन चिलीज़ और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और डालेंगे इसमें 1 कप फ्रेश पार्सले। पार्सले आजकल तो मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है, पर अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कोर्सली ग्राइंड कर देंगे। इसे हमें दरदरा ही पीसना है। बीच में हमें इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा, तो 2 टेबलस्पून अराउंड पानी, और मैंने इसमें 1 नींबू का जूस ऐड किया है। नींबू का जूस ऐड करने के बाद हमें इसको फिर से एक बारी मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमारा बैटर बन गया है। अब इस बैटर को हम एक बोल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, दरदरी है। इसे हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, और इसे अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे। सोडा ऐड करने से हमारे फलाफल अच्छे से फ्लफी बनेंगे। अब हम फलाफल के बॉल्स बना देते हैं। आपको जो साइज़ के फलाफल बनाने हो आप उसके अकॉर्डिंग फलाफल बॉल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसे चपटे बना रही हूँ। आप इसके गोल आकार के भी फलाफल बॉल्स रेडी कर सकते हैं।
इसे आप प्री प्रिपेयर रखें तो आपको इसको तलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब देख सकते हैं मैंने इसको प्री प्रिपेयर कर लिया है। अभी हम इसको डीप फ्राई करेंगे। मीडियम गैस पे हमें इसको डीप फ्राई करना है। आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही कुक करिए। 4 से 5 मिनट लगता है इसको कुक करने में। इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। ये फलाफल के जो बॉल्स होते हैं ये ज़्यादा ऑयल सोकिंग नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे फलाफल ने कलर चेंज कर लिया है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं तो अभी हम इसको प्लेट में रिमूव कर लेंगे। तो हमारे फलाफल भी बन के रेडी हो चुके हैं तो अब हम इसे सर्व करते हैं। मैंने एक प्लेट में हम इसको ऐसे स्प्रेड किया था। स्प्रेड करने के बाद इसमें हम थोड़ा ऑलिव ऑयल पोर करेंगे। हम इसको आप आसानी से 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा ऑलिव ऑयल स्प्रेड कर दीजिए सो दैट ऊपर की लेयर ड्राई ना हो जाए और आपका हमस 4 से 5 दिन के लिए अच्छे से आप स्टोर कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको गार्निश कर रही हूँ पेपरिका पाउडर से। आप इसको लाल मिर्ची पाउडर से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ फलाफल। तो रेडी है हमारा लेबनीज क्विजीन फलाफल और हमस। ये एक बहुत ही अच्छा साइड स्नैक हो सकता है। आप इसे मेन कोर्स में भी पीता ब्रेड के अंदर स्टफ करके खा सकते हैं। तो रेडी है हमारा मज़ेदार और इजीली बनने वाला ये फेमस मिडिल ईस्ट का हमस और फलाफल। आपको हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।